अरे आप इतनी जल्दी लौट आए? हाँ क्या बात है? कुछ परेशान लग रहे हैं? आप तो फ्लैट का सौदा करने गए थे ना? हाँ फ्लैट लेने की हमें जल्दी तो है, लेकिन जल्दबाजी में हम कोई गलत सौदा तो नहीं कर सकते। गलत सौदा? लेकिन आप तो कह रहे थे जिसका वो फ्लैट है उसकी रामलाल इंडस्ट्री में कोई फैक्ट्री है। फ्लैट बड़ा है, महंगा भी है। हाँ फ्लैट तो बंगले की तरह है। अगले महीने हमारा बेटा अपनी बहू को लेकर अमेरिका से वापस आ रहा है। वो फ्लैट तो हम लोग के लिए सही है, लेकिन तुम्हें मालूम है जिस वक्त मैं वहां पहुंचा तो क्या हुआ? साहब यहां तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इसी कांच पर तो गिरी थी और ये कांच चूर चूर हो गया था। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ साहब। नहीं वो लड़की मेरे सामने ऊपर से गिरी थी, इसी कांच के ऊपर गिरी थी। साहब आपका वहम है ये। ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने उस लड़की को ऊपर से गिरते हुए देखा है, तड़प तड़प के मरते हुए देखा है। हाँ एक लड़की गिरकर मरी जरूर थी, लेकिन करीब 2.5 साल पहले 10वें माले से अवस्थी जी की बहन और उनके माँ बाप गिरकर मरे थे। अच्छा साहब मैं चलता हूँ। खन्ना साहब आई एम सॉरी सर, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। आइए मैं आपको फ्लैट दिखाता हूँ। मुझे इस बिल्डिंग में कोई फ्लैट नहीं चाहिए। देखिए खन्ना साहब, इस पॉश इलाके में इतना अच्छा फ्लैट आपको इतने सस्ते दामों में कभी नहीं मिलेगा। कहा ना मुझे नहीं चाहिए। खन्ना साहब शायद प्रदीप अवस्थी जी का कोई प्रॉब्लम रहा होगा, वरना वो इतना अच्छा फ्लैट इतने सस्ते दामों में कभी नहीं बेचते। प्रदीप अवस्थी? ये वही है जिसकी बालकनी से कुछ लोग गिर के मर गए थे? आपको कैसे मालूम पड़ा सर? मुझे मालूम है, चलो यहाँ से। सर प्लीज मैं अवस्थी साहब को खबर कर दूं, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है। हेलो अवस्थी, आप कौन? अवस्थी साहब मैं एस्टेट एजेंट अहमद बोल रहा हूँ। हाँ हाँ अहमद, अरे यार तुम पार्टी लाने वाले थे ना फ्लैट दिखाने के लिए, क्या हुआ उसका? आई एम सॉरी अवस्थी साहब, 2-4 लोगों ने मुझे आपके फ्लैट के बारे में बताया था पर मुझे यकीन नहीं था। आई एम सॉरी आपके फ्लैट पर कोई मनुष्य आया है। क्या साया है? मैं इसे नहीं बिकवा सकता, मैं जा रहा हूँ। अब अहमद अहमद सुनो तो। नहीं बिक सकता? नहीं जी, हमें वो काली छाया वाला फ्लैट नहीं चाहिए। आप कोई दूसरा फ्लैट क्यों नहीं देखते? ठीक है, रिचा कहाँ है? रिचा अपने कमरे में है। पता नहीं उसने वो खुदकुशी करने वालों पर जब से रिसर्च शुरू की है उसके कमरे में अखबार ही अखबार बिछे हुए हैं। कुछ समझ में नहीं आता। मैं देखता हूँ। वाओ,
तुमने तो अपने कमरे को अखबार का दफ्तर बना दिया है। How are you? I'm fine. तुम्हारी रिसर्च कैसे चल रही है? अच्छी चल रही है। खाना तुम्हारा इंतजार कर रहा है, ठंडा हो रहा है और मुझे बहुत जोरों से भूख लग रही है। चलो डैड, बस एक फाइल ओपन करनी है, इसके बाद में आती हूँ। ओके ओके डैड। ओ यस थैंक्स। She's नंदिनी अवस्थी। बेटा मैं जो आज फ्लैट देखने गया था, मेरे सामने ये लड़की उस बिल्डिंग से गिरी थी। What? फोन से लथपथ और मेरे सामने मर गई। What are you talking, Dad? ये तो शहर का सबसे मशहूर केस है और इस लड़की को मरे हुए 2.5 साल हो गए हैं। 2.5 साल? उस बिल्डिंग के वॉचमैन ने भी यही कहा था। डैड, आपने इस लड़की का चेहरा किसी अखबार या कहीं और देखा होगा और वो चेहरा आपकी आंखों में बस गया, बस, और इसमें कोई सच्चाई नहीं। और मैं तो इस केस को इसलिए जानना चाहती हूँ क्योंकि लड़की MBBS फाइनल ईयर की स्टूडेंट थी। ये डॉक्टर बनना चाहती थी और सवाल ये पैदा होता है कि इसने खुदकुशी क्यों की? पता नहीं लोगों की जिंदगी में ऐसी कौन सी मजबूरी आ जाती है कि उन्हें खुदकुशी करनी पड़ती है। अच्छा बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं, कम। जी डैड। अगर मेरे बारे में जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगी। कि मेरी मौत कैसे हुई। अरे तुम तैयार नहीं हुए? डार्लिंग, तुम तैयार क्यों नहीं हुए? खाना खाने बाहर जाना था ना। अरे बाहर में क्या बाहर जाना, यहाँ सब कुछ एक एक करके हाथ से निकलता जा रहा है। फैक्ट्री बंद हो गई है। सोचा था ये फ्लैट बेचकर फैक्ट्री दोबारा शुरू करूंगा, लेकिन ये फ्लैट बिकने को तैयार ही नहीं। लोग आते तो हैं पर पता नहीं क्यों फ्लैट बिना देखे ही वापस चले जाते हैं। कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अरे क्या खाक सब ठीक होगा, ये फ्लैट बिकने को तैयार नहीं। अब सोचता हूँ फैक्ट्री बेचकर ही नया बिजनेस शुरू करूं, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अरे मैंने क्या किया है? सब मेरी वजह से सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ओके, आई एम सॉरी, हम क्यों लड़ रहे हैं? लड़के क्या फायदा, जल्दी चेंज करो, बाहर चलते हैं। देखो प्लीज, मेरा बाहर जाने का बिल्कुल मूड नहीं। ओके बाबा, कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, खाना घर पे मंगा लेती हूँ। नाउ चीयर अप। ओके, जल्दी डाइनिंग टेबल पे आ जाओ। ओके बेटा, you
प्रदीप। अरे क्या हो गया है तुम्हें, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? बबली मुझे लगता है हमारा पास्ट हमें हॉन्ट कर रहा है। कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो तुम? मैं सच कह रहा हूँ, मैंने अभी वहाँ नंदिनी पापा और मम्मी को देखा। तुम जानते हो कि क्या हुआ था? कैसी बातें कर रहे हो, क्या हो गया है तुम्हें? मेरी समझ नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। आई एम सॉरी। ये बात राज बन के रह गई नंदिनी। तुम्हारी मौत हादसा थी या खुदकुशी? मेरी मौत ना हादसा है ना आत्महत्या। हमारी बात अधूरी रह गई थी। मेरी मौत से पहले मेरी मां 10वें माले से नीचे गिर गई थी। मैंने अपने पापा को भी वैसे ही मरते हुए देखा है। लेकिन तुम तो मर चुकी थी ना, तुमने आत्महत्या की थी ना? सब तो यही कहते हैं कि पर तुम बोल कैसे रही हो? तुम मुझे बताओ, तुमने आत्महत्या की थी? रिचा किससे बात कर रही हो? मैं यहां नंदिनी अवस्थी की तस्वीर थी माँ, वो मुझसे बात कर रही थी। कैसी बहकी बहकी बातें कर रही हो? माँ मैं सच कह रही हूँ, अभी अभी थोड़ी देर पहले इस सारे कमरे का एटमॉस्फेयर एकदम अलग था और अचानक से पता नहीं कहाँ से तेज हवा आई और सारे कमरे की लाइट्स फ्लिकर करने लग पड़ी। माँ नंदिनी अवस्थी यही अभी मुझसे बात कर रही थी। माँ मैं सच कह रही हूँ, वो मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। माँ बेटा ये तुम रात रात पर जागकर जो सब करती हो। देखो माँ जो रिसर्च मैं कर रही हूँ उसके लिए मुझे जागना पड़ता है। बेटा मैं जानती हूँ, लेकिन ये सब काम दिन में भी तो हो सकता है। अब इतनी रात रात भर जागोगी तो पता नहीं क्या क्या सूझेगा, क्या क्या दिखेगा। अब रात बहुत हो गई है, सो जाओ। शायद तुम ठीक कह रही हो माँ, मैंने कुछ इमेजिन किया होगा। माँ पापा सो गए? हाँ वो तो कब के सो गए। चलो तुम भी सो जाओ, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। आओ।
मैं तुम्हें बुरी बात नहीं बता पाई थी। अपने मम्मी पापा को बचाने में मेरी मौत हुई, लेकिन मेरी मम्मी और पापा की मौत का जिम्मेदार कोई है जिसे अब तक पुलिस नहीं पकड़ पाई। लेकिन तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगा कि अब मेरे मम्मी पापा की हत्यारे नहीं बचेंगे। बेटी क्या हुआ, इतनी डरी हुई क्यों? मां, हम इस कमरे की लाइट्स ऑफ करके गए थे। हाँ। अचानक मुझे कमरे में कंप्यूटर के चलने की आवाज आई। कंप्यूटर के चलने की? हाँ मां। कैसी बातें कर रही हो? और ये देखो, ये प्रिंट आउट, ये सब ऑटोमेटिकली हुआ। बेटी हो सकता है कि नींद में तुमने ये प्रिंट आउट निकाला हो। नहीं डैड, मैंने अभी यहाँ किसी लड़की का साया भी देखा, पर जब आप लोग आए तो वो लड़कियां नहीं है डैड, वो भी यही थी। मैं सच कह रही हूँ। न जाने आज शाम से हर चीज अजीब सी हो रही है। पहले मैंने उस कंप्यूटर में उस लड़की को देखा और अब तुम कह रही हो कि प्रिंट आउट निकला। मुझे लगता है ये एक साया है जो हमसे कुछ कहना चाहता है। तेरा इन सब बातों को मानते हो? आप कैसी डरावनी बातें कर रहे हैं। मॉम आप डरिए मत, मैं इन सब बातों को नहीं मानती। मैं सच्चाई का पता लगा के रहूं। मुझे मिस्टर प्रदीप अवस्थी से मिलना है। जस्ट अ मिनट। हेलो अवस्थी जी, आपसे कोई मिलने आया है। जस्ट अ मिनट। हाँ जी, क्या नाम बताया आपने? रिचा। रिचा जी, रिचा, ओके थैंक यू जी। आप जा सकते हैं, लेकिन पहले आप इसमें एंट्री कर दीजिए। ओके थैंक यू जी। मेरा ही नाम प्रदीप अवस्थी, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? देखिए, मैंने मास्टर्स इन मास कम्युनिकेशन किया है और इस वक्त मैं किसी सब्जेक्ट पे रिसर्च कर रही हूँ। इसी सिलसिले में मुझे आपकी मदद चाहिए थी। कैसी मदद? जी, मेरा सब्जेक्ट है आत्महत्या, सुसाइड। इसमें मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मैं आपसे आपकी बहन नंदिनी के बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। देखिए, मैं कोई बात नहीं करना चाहता, आप प्लीज यहाँ से जाइए। आप मेरी बात तो सुनिए। मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं कहना। आप मेरे पुराने जख्म को रेंगने आई हैं,
मैं तो सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आखिर नंदिनी खुदकुशी। शराब शराब, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। अगर तुम लड़की नहीं होती ना तो मैं बहुत बुरी तरह तुमसे पेश आता। चली जाओ यहां से, गेट आउट, गेट आउट। क्या हुआ? ये लड़की कौन थी? जर्नलिस्ट थी, पूछ रही थी कि नंदिनी ने आत्महत्या क्यों की। Stupid people. आओ बेटी आओ। बैठो भाई, हमने तो तुम्हारा काम कर दिया। ये है एसीपी साहब, मिस्टर राठौर। हेलो। हेलो। मुझे आपके पापा ने बताया कि आप नंदिनी के भाई से मिलने गई थी। जी, मैं अवस्थी जी से मिलने उनके घर गई थी। अच्छा। मैं नंदिनी के बारे में उनसे कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरे किसी भी सवाल का जवाब देने से मना कर दिया। इनफैक्ट उन्होंने मेरी इंसल्ट करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया। ये अवस्थी फाइबर की मूर्तियां एक्सपोर्ट करता है, इसकी रामलाल इंडस्ट्रियल इस्टेट में फैक्ट्री है। यह केस कुछ ऐसा है, 27 दिसंबर की रात को अवस्थी के माँ बाप और उसकी बहन नंदिनी तीनों अपने ही बिल्डिंग के कंपाउंड में मुर्दा पाए गए। पोस्टमार्टम के रिपोर्ट के बाद इस बात का पता चला कि तीनों ने या तो एक साथ छलांग लगाकर खुदकुशी की है या किसी ने तो उन्हें दसवें माले से धकेल दिया है। वहां से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिली या ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे यह बात साबित हो कि पीपी अवस्थी ने अपने मां बाप और अपनी बहन नंदिनी को दसवें माले से नीचे फेंका हो। और पीपी अवस्थी देखने में तो ऐसा लगता भी नहीं, और जब यह हादसा होने वाला था उसके ठीक 5 मिनट पहले मिस नंदिनी अवस्थी पुना से आई थी। वॉचमैन ने उसे ऊपर जाते हुए भी देखा है। यह पहली ऐसी अजीब मिस्ट्री है कि लाख कोशिशों के बावजूद भी पुलिस इसे सॉल्व नहीं कर सकी। हमने बाकी के बातों को भी गौर किया, जैसे नंदिनी एमबीबीएस कर रही थी, हर तरफ से उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी थी, उसके मां बाप सुखी थे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं थी। और सच कहूं तो ये बात मुझे लगी है कि ये केस मैं सॉल्व नहीं कर सका। तो सर, इस मिस्ट्री में आप किस नतीजे पे पहुंचे? ये मेरी नजर में तो बस एक हादसा है। वो कैसे? ऐसे कि जैसे बालकनी से कोई तो गिर रहा था, उसे बचाने दूसरा गया, दूसरे को बचाने तीसरा गया, बस एक के बाद एक तीनों गिर पड़े। मेरी समझ में तो इतनी बात आई है। ये देखिए सर, मुझे कंप्यूटर पे टाइप किया ये लेटर मिला है। इसमें नंदिनी ने खास बात की तरफ इशारा किया। मुझे भी इसी की तलाश है। अब क्या बताऊं एसीपी साहब, कुछ दिनों से कुछ अजीब अजीब सा हो रहा है। अब मैं आपसे कुछ कहूंगा आपको यकीन नहीं आएगा। मैंने नंदिनी को दसवें माले से गिरते हुए देखा है, खून से लथपथ तड़पते हुए देखा है। अब यूं समझिए कि मैंने उसे मरते हुए देखा है। इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। कोई तो ऐसा है जो कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा है। एनीवे, मैं चलता हूं। और हाँ, ये मैं अपने पास रखता हूं। ओके, आइए आइए।
कौन है वहां? कौन है वहां? मैं तुझे 2 मिनट में फोन करती हूँ, ओके बाय। ये क्या है? पढ़ो इसे। कितनी अजीब सी खबर छपी है, मम्मी पापा और नंदिनी का केस रीओपन होगा, पुलिस फिर से तहकीकात करेगी, अब क्या होगा प्रदीप? देखते हैं क्या होगा। नंदिनी, पर नंदिनी तो मर चुकी है ना, तुम नंदिनी कैसे हो सकती हो? हाँ नंदिनी मर चुकी है, मगर नंदिनी के साथ जो अन्याय हुआ है उसका न्याय लेने के लिए नंदिनी की आत्मा भटक रही है और तब तक भटकेगी जब तक कि उसे न्याय नहीं मिल जाता। तुम मुझे ये समझाना चाहती हो कि तुम नंदिनी की आत्मा हो? हाँ यही समझाना चाहती हूँ तुम्हें। अगर तुम नंदिनी की आत्मा हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि 27 दिसंबर की रात को क्या हुआ था। बताती हूँ। तो बताओ क्या हुआ था 27 दिसंबर की रात को? उस रात बहुत हो गया जी,
अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। शांत हो जाओ निर्मला, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो जाओ, कैसे शांत हो जाओ, कैसे शांत हो जाओ बताइए। पानी सर से ऊपर हो चुका है, हम किसी से कुछ कह भी नहीं सकते। निर्मला मुझे दुख है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम्हारी इस हालत का जिम्मेदार मैं हूं निर्मला, मैं। ऐसा मत कहिए जी, ऐसा मत कहिए। आपकी वजह से तो मैं जिंदा हूं, वरना। निर्मला अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं होता। बस बस बस, कितना हुआ? 20 रुपए। 20 रुपया। नमस्ते मैडम। नमस्ते। मैं कुछ मदद करूं आपकी? नहीं नहीं, मैं चली जाऊंगी, थैंक यू। ऋचा, तुम ये जानना चाहती हो ना कि इसका जिम्मेदार कौन है? हाँ, मैं जरूर जानना चाहूंगी कि इस सब का जिम्मेदार कौन है। बताओ मुझे, कौन है इस सब का जिम्मेदार?